दोस्तों, आने वाला फ्यूचर इलेक्ट्रिक है और काफ़ी सारे ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स इस बात को बखूबी जानते हुए इस डायरेक्शन में जोर शोर से काम कर रहे हैं। वेल, वन सच मैन्युफैक्चरर इज ओकिनावा, जिन्होंने रिसेंटली बाजार में उतारा है अपना नया नवेला इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसका नाम है डुअल। आप हमारे एक्सप्रेस ड्राइव्स के यूट्यूब चैनल पर अभी देख रहे हैं इस स्कूटर का फर्स्ट राइड रिव्यू, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये स्कूटर क्या क्या ऑफर करता है, ये चलने में कैसा है अलॉन्ग विथ इट्स प्राइसिंग। But before going ahead, if you still haven't, please subscribe to our Express Drive's YouTube channel so that you don't miss on any of our upcoming videos. तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के डिज़ाइन के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्कूटर दिखने में कोई एक कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरह तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है। दिस इज़ समथिंग जो आपने शायद मार्केट में पहले कभी नहीं देखा होगा इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एंड अपियरेंस, जहाँ तक इसका डिज़ाइन है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, स्कूटर की बॉडी पे कोई भी पैनल नहीं है, एकदम मिनिमम बॉडी वर्क आप देख सकते हैं। और ओकिनावा ने हमें बताया इसके पीछे का रीज़न, वो ये है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इन केस ऑफ अ क्रैश और एन एक्सीडेंट जो है मिनिमम से मिनिमम नुकसान हो स्कूटर को। अगर स्कूटर पे बॉडी पैनल्स होंगे तो एक क्रैश की सिचुएशन में वो पैनल्स ही ब्रेक होते हैं सबसे पहले। सो इन सच ए केस व्हेन देयर आर नो बॉडी पैनल्स, वेल क्रैश के केस में कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि बेयर मिनिमम बॉडी वर्क है। चलिए अब स्कूटर के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फ्रंट की बात की जाए तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्कूटर के साथ एक ऑल LED हेडलैम्प आपको देखने को मिलता है, कुछ इस तरह से ये लाइट अप होता है। तो अपार्ट फ्रॉम एन ऑल LED हेडलैम्प, आपको इस हेडलैम्प के साथ LED DRL भी मिलती है, एंड द एंटायर सिस्टम इज़ बेसिकली ऑल LED। जो पूरा लाइटिंग सिस्टम है वो ऑल LED है। इसका मतलब जो टर्न इंडिकेटर्स हैं, टर्न इंडिकेटर्स के साथ साथ जो टेल लैम्प है वो भी LED दिया गया है स्कूटर में। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि फ्रंट का जो डिज़ाइन है वहाँ पर ये एक लगेज कैरियर दिया गया है जो काफ़ी एक प्रोमिनेंट कंपोनेंट लगता है फ्रंट में। तो यहाँ पर एज़ यू कैन सी, आप कुछ भी अपना लगेज वगैरह यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अगर आप एक डिलीवरी बॉय या डिलीवरी पार्टनर हैं तो आप एक अच्छे खासे साइज़ का एक कार्टन यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्रंट में आपको एक छोटी सी फ्लाई स्क्रीन भी देखने को मिलती है जो ऑफकोर्स कोई विंड ब्लास्ट से आपको प्रोटेक्ट तो नहीं करती क्योंकि इसकी स्कूटर की जो टॉप स्पीड है दैट्स जस्ट 25 किलोमीटर्स एन आवर। तो जस्ट एक इसका विजुअल अपील एनहेंस करने के लिए ये छोटी सी फ्लाई स्क्रीन आपको यहाँ पर मिलती है। इसी के साथ जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी ने इस स्कूटर के साथ ये मोबाइल फ़ोन होल्डर भी दिया है इसी के साथ में। इट्स अ वेरी हैंडी थिंग आई मस्ट से, बहुत ही एक थॉटफुल टच है कंपनी के पार्ट पे, क्योंकि जितने भी डिलीवरी पार्टनर्स, जितने भी डिलीवरी बॉय होते हैं, उनको ऑलमोस्ट एवरीडे एक नई लोकेशन पर जाना होता है, और यही रीज़न है कि वो अपना फ़ोन वैसे भी यूज़ करते हैं, उनको एक आफ्टर मार्केट स्मार्टफोन होल्डर लेके अपने व्हीकल पर अटैच करना पड़ता है। सो दैट्स अ गुड थिंग कि कंपनी ने स्मार्टफोन होल्डर अपने आप ही स्कूटर में फिट करके दिया है। चलिए अब स्कूटर में बहुत सारे स्विचेस आप देख सकते हैं, एक एक करके मैं आपको सबके बारे में बताता हूँ व्हाट ऑल दी स्विचेस एंड बटन्स डू। तो सबसे पहले बात करते हैं इस स्विच के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस बटन इज़ फॉर द हाई एंड लो बीम, दिस इज़ फॉर द टर्न इंडिकेटर्स, एंड दिस इज़ द हॉर्न। राइट हैंड साइड की बात करें तो सबसे पहले आपको ये एक स्विच मिलता है, L और H यहाँ पर लिखा गया है। तो बेसिकली ये जो स्कूटर है दैट्स अ लो स्पीड स्कूटर, और जब हमने कंपनी से इस पर्टिकुलर स्विच के बारे में पूछा तो उनका कहना था कि फ्यूचर में वो इसी स्कूटर का एक हाई स्पीड मॉडल भी बाजार में लेकर आने वाले हैं। तो वो जो पर्टिकुलर हाई स्पीड मॉडल होगा दैट शुड हैव अ टॉप स्पीड ऑफ अराउंड 45 किलोमीटर्स एन आवर। तो उस पर्टिकुलर स्कूटर में आपको दो मोड्स मिलेंगे, लो एंड हाई, तो ये वाला बटन उसमें टॉगल करने के काम आएगा। और साथ ही साथ अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्योंकि ये तो एक लो स्पीड मॉडल है 25 किलोमीटर्स एन आवर की टॉप स्पीड के साथ, तो इसमें लो और हाई मोड वाले बटन की क्या ज़रूरत थी। तो कंपनी का कहना था कि R&D पर्पसेस की वजह से, कॉस्ट कटिंग की वजह से, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं, इसी वजह से सेम पैटर्न ऑफ स्विच दे आर इम्प्लीमेंटिंग इन ऑल दी स्कूटर्स, इन बोथ दीज मॉडल्स बेसिकली। उसी के बाद नीचे इस वाले पर्टिकुलर स्विच की बात करते हैं, तो व्हेन यू टॉगल दिस पर्टिकुलर स्विच टू दिस पोजीशन, यहाँ से आपका DRL ऑन हो जाएगा और यहाँ से आपका मेन हेडलैम्प चालू हो जाएगा। सो दिस इज़ जस्ट टू टर्न ऑन एंड ऑफ द हेडलैम्प एंड द DRL। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके जस्ट नीचे जो आप ये छोटा सा स्मॉल कलर का रेड बटन देख रहे हैं, इस पर P लिखा हुआ है, दिस इज़ बेसिकली टू एंगेज द स्कूटर इन अ राइडिंग मोड बेसिकली। क्योंकि जैसे आप स्कूटर का इग्निशन ऑन करेंगे, तो इग्निशन ऑन करते ही अगर आप थ्रॉटल देंगे तो स्कूटर अपनी जगह से मूव नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, द इग्निशन इज़ ऑन बट आई एम गिविंग थ्रॉटल इनपुट, स्कूटर अपनी जगह पे ही है।
तो इसको राइडिंग मोड में एंगेज करने के लिए आपको एक पी बटन प्रेस करना होगा। पी बटन के प्रेस करते ही ये स्कूटर अपने राइडिंग मोड में आ जाएगा। इट्स बेसिकली अ सेफ्टी फीचर, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, वो स्कूटर पर बैठ के इग्निशन ऑन करके हो सकता है एक्सीलरेट कर दे। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी मिसहैप ये पी बटन दिया गया है, जिसको दबाए बिना स्कूटर आगे नहीं बढ़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको ये छोटा सा ग्लव बॉक्स भी दिया गया है। तो ये जो ग्लव बॉक्स है, इसमें आप अपना छोटा मोटा बिलोंगिंग्स रख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपने स्पेक्स और मास्क इसमें फ़िलहाल रखा हुआ है। तो छोटा मोटा सामान जैसे आपका वॉलेट इसमें आ सकता है, एक आधे लीटर की वाटर बॉटल भी इसमें आ सकती है। एक लीटर की तो खैर नहीं आएगी, हमने चेक किया। उसी के साथ साथ आप छोटा मोटा सामान जैसे घर की कीज़ वगैरह कुछ इसमें रख सकते हैं। सो अगेन दिस इज़ अ हैंडी थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक छोटा सा लगेज हुक भी दिया गया है एंड इट्स क्वाइट रिट्रैक्टेबल। तो आप इस पर कुछ भी टांग सकते हैं और आपका सामान जो है कहीं नहीं जाएगा, सेफली इस पर रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक यूएसबी चार्जर भी दिया गया है, सो दैट यू कैन यू नो चार्ज योर फ़ोन और एनी पेरिफेरल डिवाइसेस ऑन द गो। अपना फ़ोन यहाँ पे चार्ज में लगा के इस ग्लव बॉक्स में भी प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्कूटर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। स्कूटर के साथ आपको मिलता है एक ऑल एलईडी एलसीडी डिस्प्ले यूनिट, और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी अपनी स्क्रीन पे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको रिमेनिंग बैटरी परसेंटेज दिखाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट गेट्स एन ओडोमीटर। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आप ये मोड का साइन यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो फॉर द हाई स्पीड वेरियंट दैट विल बी लॉन्च्ड इन द कमिंग मंथ्स। और यहाँ पे क्योंकि हाई स्पीड वेरियंट मल्टीपल मोड्स के साथ लॉन्च होगा, तो ये वाला जो मोड का साइन आप देख रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस उस पर्टिकुलर मॉडल के लिए है। अपार्ट फ्रॉम दैट, पी का मतलब है पार्किंग मोड, इसका मतलब ये स्कूटर अभी पार्किंग मोड में है। एंड व्हेन आई प्रेस दिस रेड बटन इट गोज़ इनटू द राइड मोड। तो काफ़ी एक नीट लुकिंग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है स्कूटर का। ब्रॉड डेलाइट में भी आपको एज सच कोई दिक्कत नहीं होती, एंड नाइट टाइम में भी आप सारी चीज़ें ईजिली रीड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्कूटर के साथ आपको मिलती है मल्टीपल टेलटेल लाइट्स। चलिए अब स्कूटर की बैटरी के बारे में बात करते हैं। स्कूटर का जो फ्लोर बोर्ड है, जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी जेनरस फ्लोर बोर्ड दिया गया है, अच्छा खासा स्पेस है। तो यहाँ पे आप अपना जितना भी कोई अगर आपका पार्सल बॉक्स है या कुछ भी आपके बिलोंगिंग्स, वो आप बहुत आसानी से रख सकते हैं। इवन एक गैस सिलेंडर भी यहाँ पे आ सकता है। वैसे हमने टेस्ट नहीं किया है, बट आई एम प्रीटी श्योर लुकिंग एट द स्पेस ऑन ऑफर हियर, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आ सकती हैं। तो चलिए, फ्लोर बोर्ड पर ही आपकी बैटरी प्लेस की गई है। चलिए आपको मैं एक बार बैटरी भी इसकी ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बैटरी का कवर दिया गया है, इसको आप कुछ इस तरह हटा सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम, जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ द बैटरी ऑफ द व्हीकल। यहाँ पे सॉकेट लगा हुआ है, यहाँ से देयर इज़ दिस कनेक्शन जहाँ से आप जो है बैटरी अपने स्कूटर में कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बैटरी कवर के साथ आपको ये छोटा सा एंटी थेफ्ट मैकेनिज्म भी मिलता है। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि बैटरी को थेफ्ट से बचाने के लिए ये मैकेनिज्म आपको स्कूटर के साथ मिलता है। इसी के साथ इस स्कूटर की राइडर सीट के जस्ट नीचे आपको ये लगेज हुक दिया गया है, विच इज़ बेसिकली फॉर एडेड कन्वीनियंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस स्कूटर में आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर आप चार्जिंग केबल कनेक्ट करके एक पावर सॉकेट में कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद आप अपना स्कूटर चार्ज कर सकते हैं। अगर आप इस स्कूटर को यहाँ से चार्ज कर रहे हैं, तो आपको बैटरी निकालने की कोई नीड नहीं है। ऑन द अदर हैंड, सपोजिंगली अगर आप सेकंड या थर्ड या फोर्थ फ्लोर पर रहते हैं, तो स्कूटर में डिटैचेबल बैटरी भी दी गई है, जिसे आप यहाँ से ओपन करके अपने फ्लोर पर ले जाके वहाँ पर भी रिमोटली चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए अब स्कूटर के रियर पोर्शन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ रियर में भी आपको एक लगेज कैरियर देखने को मिलता है। और जब हमने कंपनी से डिटेल में बात की इसके बारे में, तो उनका कहना था कि उन्होंने अलग अलग कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग लगेज कैरियर्स डिज़ाइन किए हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर लगेज कैरियर है, वो आपके बॉक्सेस या जो फूड बॉक्सेस होते हैं, जो जोमेटो या स्विगी के डिलीवरी बॉयज़ के पास आपने देखा होगा, वो माउंट करने के काम आ सकता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिनका बिजनेस है वाटर कैंपर्स का, या फिर वो गैस सिलेंडर्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से भी कंपनी ने अलग लगेज कैरियर आपके लिए डिज़ाइन किया है। सो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम। इसी के साथ साथ ओकिनावा का ये भी कहना है कि वैसे तो इनका ये नया इलेक्ट्रिक स्कूटर ड्यूल इज़ प्राइमरीली टारगेटिंग द B2B सेगमेंट,
लेकिन कस्टमर्स इसे पर्सनल यूज के लिए भी खरीद सकते हैं, और इसी वजह से कंपनी स्कूटर के साथ एक रियर सीट एज एन ऑप्शनल एक्सेसरी आपको ऑफर करती है, और इसी के साथ आपको एक बैकरेस्ट भी मिल सकता है। सो अगर आप ये स्कूटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाहते हैं, सो यू कैन गेट अ रियर सीट, अ पिलियन सीट एंड अ बैकरेस्ट एज वेल। सो काफ़ी अच्छे खासे ऑप्शनल एक्सेसरीज़ की लिस्ट कंपनी के साथ है। आप स्कूटर को एज अ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, एंड इफ़ यू आर अ डिलीवरी पार्टनर देन उसके हिसाब से तो स्कूटर बहुत ही बेहतरीन है हमारे हिसाब से। चलिए बात करते हैं स्कूटर के परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि ओकिनावा ड्यूल एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसी वजह से सारा टॉर्क आपको इंस्टेंटली मिलता है, जिसकी वजह से ये स्कूटर एक अच्छा खासा एक्सेलरेशन ऑफर करता है। द स्कूटर कैन हिट अ टॉप स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर एन आर, एनहेंस यू डोंट नीड अ ड्राइविंग लाइसेंस और RC टू राइड दिस व्हीकल लीगली ऑन इंडियन रोड्स। स्कूटर की बैटरी आपको एक चार्ज में 130 किलोमीटर तक का रेंज ऑफर करती है, विच इज़ एन इम्प्रेसिव फिगर, और इसे 0 से 100% चार्ज होने में 4 से 5 घंटे तक का समय लगता है। स्कूटर का सस्पेंशन एक स्टिफर साइड पर रखा गया है, और इस व्हीकल के छोटे साइज और एवरेज राइडिंग डायनामिक्स की वजह से यू नीड टू बी रियली केयरफुल वाइल क्रॉसिंग स्पीड ब्रेकर्स एंड रेगुलर अंडुलेशंस। ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट में आपको एक डिस्क और रियर में एक ड्रम ब्रेक मिलता है। ये सेटअप आपको डिसेंट स्टॉपिंग पावर डिलीवर करता है, एंड इट कम्स विथ रीजनरेटिव ब्रेकिंग एज वेल, जिसका मतलब ये है कि द एनर्जी डिसिपेटेड ड्यूरिंग ब्रेकिंग इज यूज टू इंक्रीज द रेंज। ओकिनावा ड्यूल इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑफर्स अ पेलोड कैपेसिटी ऑफ अप टू एन इम्प्रेसिव 200 kgs। हैविंग सेड दैट, स्कूटर के छोटे साइज पे बिल्कुल भी मत जाइए, बिकॉज स्कूटर के ऊपर अगर आप अच्छा खासा वेट रख के ट्रांसपोर्ट करना चाहेंगे तो वो आसानी से हो जाएगा। ओकिनावा ड्यूल इलेक्ट्रिक स्कूटर को भारत में तकरीबन 60,000 रुपये की कीमत के साथ लॉन्च किया गया है। तो अगर आप एक डिलीवरी पार्टनर हैं जो एक किफ़ायती लॉजिस्टिक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं अपने गुड्स और सर्विसेज डिलीवर करने के लिए, देन हमारे हिसाब से ओकिनावा ड्यूल एक डिसेंट ऑप्शन है। इसी के साथ साथ अगर आप इसे एक पर्सनल ट्रांसपोर्ट की तरह भी यूज़ करना चाहते हैं, और एट द सेम टाइम इफ़ यू वॉन्ट समथिंग डिफरेंट लुकिंग दैट स्टैंड आउट फ्रॉम द लार्ज सी ऑफ क्वाइट कन्वेंशनल लुकिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, वेल इन दैट केस ऑल्सो द ओकिनावा ड्यूल इज अ डिसेंट ऑप्शन टू लुक आउट फॉर। ओकिनावा ड्यूल इज करेंटली 92% लोकलाइज प्रोडक्ट, और कंपनी इस फिगर को अप्रैल 2021 तक 100% करने का एम कर रही है, एंड फॉर दिस रीजन आपको इस स्कूटर की कीमत में आने वाले टाइम में एक स्लाइट डिक्रीज देखने को मिल सकता है। ओकिनावा ने रिसेंटली मल्टीपल फाइनेंसर्स के साथ टाई अप किया है, ऑल थैंक्स टू विच अब इस स्कूटर के साथ आपको मल्टीपल फाइनेंसिंग ऑप्शंस भी मिलते हैं, सो दैट आपकी पॉकेट पे ज़्यादा लोड ना पड़े। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।